आज दोस्तों फिर से एक बार स्नैक रेस्टोरेंट मिठू मातू में आपका स्वागत है। देखिए अभी कुछ देर पहले हमें एक रेस्क्यू का कॉल आया है, इन्होंने हमें कॉल किया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमडी रियासत। हाँ, तो ये यहीं पे वर्क करते हैं, तो इन्होंने हमें इन्फॉर्म किया अभी। तो देख सकते हैं ये टाटा का डिस्पेंसरी है, आप एक बार दिखा दीजिए। और ये जिसे हम लोग जामाडोर का छोटा अस्पताल भी बोलते हैं, तो बताया जा रहा है कि इस जगह पे कोई धामन साहब का है, धामन साहब का कभी लंबा टाइप का बताया गया कि लंबा है और ये येलो कलर का दिख रहा है, तो मे भी हो सकता है मिट्टी कलर में वो लोग रहता है, क्योंकि धामन का तो एक से सात छः से मुझे यहीं से दिख रहा था। ठीक है, तो आप भी एक बार दिखा दीजिए कैमरे में, दिखा दीजिए। तो ये इसका पूंछ का भाग है, तो इसे हम लोग रेस्क्यू कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा जूम करके दिखा दो। हम स्टिक कर लेंगे, निकालो ना पता। ये पूछो डेट है ना, ये ही है। दब गया था, हटाएंगे क्या? इधर 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 उसका मुड़ी तो है, हंस गया ये। निकल गया, इधर से ही खींच लीजिए ना, हंस गया। बुलाइए बुलाइए, इंडियन रेड स्नैक। तो देख सकते हैं, और ये अभी छोटा है। ठीक है, इससे भी लंबा होता है, काफी लंबा होता है, और लगभग ये 8 फीट से 9 फीट इसका मैक्सिमम लंबाई होता है, 11 फीट 12 फीट का होता है। ठीक है, तो ये एक फीमेल धामन है, इसे देख सकते हैं। और ये इस पेड़ की टहनी पे थोड़ा सा दब चुका था, तो ठीक है, इसे हम लोग सुरक्षित रेस्क्यू कर चुके हैं। तो इसे एक बार हम बताना चाहते हैं, जैसे कि लोग इसे इंडियन रेड स्नेक जो कि नॉन वेनमस होता है, और लोग इसे जहरीला समझ के मार देते हैं, और काफ़ी के क्योंकि मारना एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि लोगों को हाँ नहीं जहरीला नहीं होता है, और मारना स्वाभाविक है क्योंकि लोग इसे सांप के नाम से डर जाते हैं, जिसकी वजह से ही लोग इसे मार देते हैं, और जिसके कारण से सांप की प्रजाति जो है विलुप्त होते जा रही है। तो इसीलिए हम लोग एक इस स्नेक को हम लोग सुरक्षित बात प्रकृति में छोड़ देंगे, ताकि ये बचा रहे और एक साइकिल की तरह बना हुआ रहे, क्योंकि ये रहता है तभी हम लोग के खेत खरिया वो सब बचा हुआ रहता है, क्योंकि ये इसका मेन आहार जो रहता है वो एक चूहा रहता है जिसे रेट बोलते हैं, इसी के कारण से इसका नाम है इंडियन रेट स्नेक कहा जाता है। तो ठीक है, इसी शब्दों के सभी साथ हम थैंक यू सभी को बोलना चाहेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। ओके सर, फिर से अब हम लोग इसे जो स्नेक किया हुआ जो था उसे हम रिलीज करने के लिए आए हैं। देख सकते हैं काफ़ी जंगल एरिया है। ठीक है, तो इसे यहाँ पे छोड़ देंगे, ये सुरक्षित रहेगा, लोगों से सुरक्षित रहेगा। तो चलिए हम लोग इंडियन रेड स्नेक धामन को निकालते हैं। तो ठीक है, चलिए इसे हम लोग छोड़ देते हैं। और ये जा चुका है, तो ठीक है, इसी के साथ अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है या फिर पसंद आता है सब्सक्राइब कीजिएगा, और कभी भी आपको स्नेक बाइट होता है तो प्लीज़ ओझा ओझा के चक्कर या देसी इलाज के चक्कर मत रहिएगा। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत मेरे। ओके, बाय बाय।